और ये एक एक्स्ट्रा है, थोड़ा बॉम्बर टाइप का है, तो मैंने बॉयज सेक्शन से ऑर्डर किया था। हुडीज भी है, जैकेट भी है एंड स्वेटशर्ट भी है। Hey guys, this is Diksha Singh. Welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So after so long, I am back with another haul video. And title देखकर तो आप लोग समझ गए हो कि आज मैं Meesho winter wear haul करने वाली हूँ. So मैंने order किया है Meesho से 5 product और इसमें हुडीज भी है, जैकेट भी है एंड स्वेटशर्ट भी है एंड सारे ही बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, लाइक 350-380 के अंडर में ही है. So without wasting any more time, let's get into the video. So guys, सबसे पहला हुडी है ये बेज कलर का और ये बहुत ज्यादा प्यारा कलर है. Like मेरे को ये ब्राउन टोन वाले कलर्स बहुत ज्यादा पसंद है और ये कलर तो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड लग रहा था और इसको मैंने ऑर्डर किया है एक्सेल साइज में. और आप लोग भी कोशिश करना कि आपका जो एग्जैक्ट साइज है उससे आप लोग एक या दो साइज अप ऑर्डर करो ताकि ओवर साइज आए और अच्छा भी लगे. मैं ऐसे नॉर्मली मीडियम पहनती हूँ बट मैंने सारा ही एक्सेल साइज में या फिर एल साइज में ऑर्डर किया है. इस पे यहाँ पे लॉस एंजेलस लिखा हुआ है जो कि मेरे को नहीं लगता ये खराब होने वाला है. ये अंदर से भी बहुत ज्यादा वार्म है, लाइक आप लोग देख सकते हो ये फ्लीस टाइप का मटेरियल है जो कि बहुत वार्म रखता है. एंड इसका प्राइस है 258 अकॉर्डिंग टू प्राइस, बेस्ट है ये, बेस्ट. इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी है. मेरे पास सेम इसमें ही एक और कलर है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ. सो ये है मिंट ग्रीन कलर का और ये भी एग्जैक्ट उसी प्राइस में है और इसकी भी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, वार्म है और ये भी बहुत ज्यादा प्यारा लगता है. ये भी वो सस्ता वाला वाइब बिल्कुल भी नहीं देता. अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ. नेक्स्ट है ये पिंक कलर का स्वेट टी शर्ट और ये भी बहुत ज्यादा प्यारा है और ये वो बार्बी वाला पिंक है शायद. ये पिंक बहुत ज्यादा ट्रेंड में है अभी और इसपे कैलिफोर्निया लिखा हुआ है एंड इसकी मटेरियल भी बहुत ज्यादा अच्छी है. इसमें भी वो फ्लीस टाइप का मटेरियल है जो कि बहुत ज्यादा वार्म रखता है एंड इसको भी मैंने ऑर्डर किया था एक्सेल साइज में. इसका प्राइस है 378 और मैंने इसको कैरी किया था व्हाइट कलर के शर्ट पे जो कि बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था. बट ऐसे भी आप लोग पहनोगे तो बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा और ये भी बिल्कुल भी 300-400 वाला वाइब नहीं देता है. आप लोग ये खरीद सकते हो, बहुत ज्यादा प्यारा है. मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, बहुत ज्यादा खिलता है चेहरे पे. सो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ. और सो नेक्स्ट है ये पिंक कलर का हुडी. इसमें कैप भी है बहुत बड़ा सा और इसमें पॉकेट भी है दोनों साइड से और इसका भी मटेरियल वही अंदर में फ्लीस वाला है जो कि वार्म रखता है, देख सकते हो आप लोग. एंड इसको मैंने ऑर्डर किया था 330 में और ये भी मैंने ऑर्डर किया है एक्सेल साइज में. बस मेरे को इसमें एक चीज अच्छा नहीं लगा, ये जो ब्लैक कलर का है इसको पिंक कलर में देना चाहिए था तो ये ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसे हल्का सा चीप वाला वाइब देता है. बट ऐसा नहीं है, मेरे को सिर्फ ऐसा लग रहा है. आप लोग अगर चाहो तो आप लोग इसको खरीद सकते हो और अगर चाहो तो ये निकाल भी सकते हो. सो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ. एंड गाइज मैं एक चीज बताना भूल जा रही हूँ, जो लास्ट में ये स्लीव्स के पास जो ये रबर होता है इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है. अभी तक जितना भी मैंने रिव्यू दिया है सारे प्रोडक्ट्स के ये जो रबर होते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की है एंड लास्ट में जो ये रबर होता है इसकी भी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है. बिल्कुल भी 300-400 वाला वाइब नहीं देगा कोई भी हुडी या फिर स्वेट टी शर्ट जो भी मैंने आप लोगों को भी दिखाया है. सो मेरे पास अभी एक और नहीं दो और प्रोडक्ट है. अभी जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ वो मैंने बॉयज सेक्शन से ऑर्डर किया था एंड बॉयज सेक्शन में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती है. सो आप लोग जब भी शॉपिंग करो तो एक बार उधर भी देख लिया करो. सो गाइज ये है ब्लैक कलर का प्लेन हुडी और ये बहुत ज्यादा प्यारा है. इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और इसमें भी वो फ्लीस वाला मटेरियल है एंड अभी जितने भी हुडी और स्वेट टी शर्ट मैंने दिखाए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है इसका क्वालिटी. लाइक ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें जो ये लेस टाइप का है इसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है और ब्लैक हुडी और ब्लैक ये भी है तो ये बिल्कुल भी चीप नहीं लगता है. वो पिंक वाला हल्का सा मेरे को लगा था बट उसकी भी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और इसकी तो खैर बात ही छोड़ दो, ये बहुत ज्यादा प्यारा मटेरियल है और इसमें भी आगे में पॉकेट दिया हुआ है दोनों साइड से, ऐसे ये वाला पॉकेट है.
और पीछे में इस टाइप का प्रिंट है और ये रबर टाइप का प्रिंट है, बट बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। आगे से एकदम प्लेन है और पीछे में ये वाला प्रिंट है, बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। और इसको भी मैंने एक्सेल साइज में ही ऑर्डर किया है और इसका प्राइस है 376। एंड ये भी बहुत ज्यादा प्यारा है, बहुत ज्यादा कूल है। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रोडक्ट की तरफ और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। सो लास्ट है ये पिंक कलर का जैकेट और ये थोड़ा बॉम्बर टाइप का है, आप लोग देख सकते हो इसका मटेरियल। इसके यहाँ पे साइड में ये स्ट्रिप है, तीन स्ट्रिप है दोनों स्लीव्स पे, दोनों साइड पे पॉकेट है और जिप की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, लाइक आप लोग देख सकते हो। ये जो फ्रंट जिप है इसकी भी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है और अंदर में ये फर टाइप का है जो कि वार्म रखता है। एंड ओवरऑल ये मेरे को तो अच्छा लगा अकॉर्डिंग टू प्राइस, बहुत ज्यादा अभी हाइप पे भी था ये वाला मीशो का ये वाला जैकेट, सो मैंने भी ऑर्डर किया। देखना था कि कैसा लगता है, पहनने पे ये सही लग रहा था बट ये मैंने ऑर्डर किया मीडियम साइज में क्योंकि इसमें मेरे को एक्सेल साइज नहीं मिला था। बट अगर आप लोग ऑर्डर करो तो अपने से दो साइज अप ऑर्डर करना क्योंकि बॉम्बर जैकेट ऐसे भी ओवर साइज ही अच्छा लगता है। बट मेरे को क्वालिटी चेक करना था और अकॉर्डिंग टू प्राइस क्वालिटी इसकी बेस्ट है, सो आप लोग ये खरीद सकते हो। सो खत्म हो गया सारा प्रोडक्ट, मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग को जो अच्छा लगे आप लोग वो खरीद सकते हो। सो दैट्स इट फॉर माय वीडियो, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना। सो बाय।